किया पतला वो तकदार। खून है किसने किया पतलाओ तत्काल, और जो पड़ी है लाश किसकी तरो तुम जी काल। खून न जाने किसने किया और बतलाता तत्काल, जाने किसने किया और बतलाता तत्काल। तुम चाहे सारे गांव को और कर डालो गंगा, तो झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम। झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, खून तूने है इसी का है बेदर्द किया। सब समझ में गया चाल बाजी तुम्हारी, सब समझ में गया चाल बाजी तुम्हारी। साढ़े पांच साल से जाए है तुम्हारी, महामंत्री गलती नहीं कुछ हमारी। नचरी मेरे ऊपरी क्यों पड़ी है तुम्हारी, नहीं मेरी गलती और मुझे माफ कर दो। नहीं जानता इस लड़के का खून किस हराम चादे ने किया है, नहीं मेरी गलती और मुझे माफ कर दो। करूं वंदना आज मंत्री तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं पता बुदरू, मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था तो इस बेचारे की लाश इस जंगल में पड़ी हुई। गजराज जो कुछ भी बोलना है तुझे रामहाराज के सामने बोलना होगा, वही तुम्हारा फैसला होगा कि उनके बेटे का खून किसने किया है। छोटू लगाओ गजराज सिंह को हस्करी और इनको महाराज के सामने ले जाया जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, गजराज सिंह यही है आपके स्टेट का न्याय, मैंने तो इसके शरीर से शमशीर निकाला है, झूठ, मैंने इसका खून नहीं किया। तूने महाराज से दुश्मनी, महाराज
को मार और उसके खानदान को मार कर विराट नगर का राजा बनने का ख्वाब सोचा है, इसीलिए तुमने महाराज के छोटे बेटे प्रमोद को मार डाला है। आज तेरा फैसला राज दरबार में होगा, ले चलो इसे घसीट कर। मंत्री विक्रम सिंह गजराज सिंह, जैसा आप सोच रहे हैं तुम्हारी तरह मेरी घटिया सोच नहीं है। मेरे महाराज के बेटे खून नहीं किया, बल्कि महाराज के बेटे के शरीर से शमशीर निकाला है। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारे हाथ महाराज के बेटे के खून से लथपथ है। मंत्री जी कहिए गजराज, यहाँ आया था बेटी का पर देखने, मैंने किसी का खून करने के लिए नहीं आया। बेटी का बर देखने क्यों आया था? जब उस दिन बात हो चुकी थी पूरी, तो यहाँ दोबारा किस लिए आया था? यहाँ दोबारा दुश्मनी अदा करने के लिए आया था? अरे मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, दुश्मनी अदा नहीं करने आया। छोटो गजराज सिंह और प्रमोद की लाश को रात दरबार ले चलो, वही गजराज सिंह का फैसला होगा, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि प्रमोद का खून किसने किया है। ले चलो इसे लंबो, प्रमोद की लाश को उठाकर रात दरबार लेकर आओ। वहीं पर गजराज सिंह का फैसला हो गया। आओ भट्टा, सुन तो लंबरदार को लेके आए थे यहाँ अपनी बिटिया का बर देखने के लिए, और देखिए यहाँ यहाँ का मंत्रीगण मंत्री जो है देखिए कैसी रचना रख दिया। अब देखिए एक दोस्त दोस्त में क्या फैसला होता है, आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। अरे भौजी भाग चलो लुधियानवा, हिया बुले चला है ना, भौजी भाग चलो लुधियानवा, हिया बुले चला है महाराज की जय। बड़ा
दुश्मन है तुम्हारे पिछाड़ी। गजब क्या हुआ है अरमन जी बताओ, अभी उसने देखी लता तक हमारा मंत्री विक्रम सिंह। मेरे दानवीर सम्राट बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो, क्या बात है? बहुत अत्यंत दुखी की बात है राजन कि जब मैं आपके बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाए तो आपका बेटा प्रमोद मुझसे काफी दूर निकल गया। और राजन मैंने जाकर देखा तो आपके बेटे प्रमोद की लाश पड़ी थी और छोटू उस कातिल को सामने लेकर आओ। हाँ महाराज जी, राजकुमार जी का खून हो गया है और हम लोग उस कैदी को भी पकड़ के लाए जिसने उस राजकुमार जी का खून किया है। हाँ राजन, जो आपके बेटे का खून किया है मैंने वक्त पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजन मंत्री विक्रम सिंह कहिए राजन, कौन है वो कैदी? राज दरबार में लेकर आओ। छोटू जाओ उस कैदी को राज दरबार में लाया जाए और मेरे बेटे की लाश लेकर आओ। राजन यही वो कातिल है जो आपके बेटे प्रमोद का खून किया है और इसके हाथों के निशान उस शमशीर में मौजूद है। राजन यही है आपके बेटे का कातिल। मंत्री विक्रम सिंह, जब ये मेरे बेटे को मार रहा था तुम्हारी ड्यूटी थी कि मेरे बेटे को कॉलेज ले जाओ, कॉलेज से वापस लाओ, कहां थे उस वक्त तुम? राजन मैं आपके बेटे के साथ 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 चल रहा था लेकिन अचानक मेरा पैर मिचुल गया राजन और आपका बेटा आगे चला गया। उसी बीच मैंने जाकर देखा तो ये कातिल आपके बेटे के पेट में खंजर चुभाए खड़ा था। अगर मेरा यकीन न कहे राजन तो आप मेरे पास गवाह भी है, आपके ही दरबार का नौकर छोटू है जो मेरे साथ था। और सबूत क्या है? छोटू मेरी बात को ध्यान से सुन, इसमें मेरा हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है? महाराज से ये कहना कि हम और मंत्री विक्रम सिंह, क्या दोनों फुसफुस कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, यही छोटू से कह रहा था कि जो देखा वही बताओ। महाराज जी, हम और मंत्री जी जा रहे थे, बताने से पहले जाओ मेरे बेटे की लाश लेकर आओ।
प्रमोद, उठो प्रमोद, प्रमोद। देख लो राजन, यही बचपन की दोस्ती का नतीजा मिला है, जिसे आप दोस्त समझते थे वही आपके सीने में खंजर चुका है। देख लो राजन। मेरे बेटे, मेरे लाल, तुझको मारूं, राजन। छोटी मुंह बड़ी बात एक और कहना चाहता हूं, ये आपका घरेलू मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। काश ये मेरा दोस्त होता तो मैं इसका गर्दन धर से अलग कर देता हूं। ये आपका मैटर है, आप ही देखिए, मैं चलता हूं राजन। रुक जा मंत्री विक्रम सिंह, क्या सबूत है इसने मेरे बेटे को मारा? सबूत वो खंजर है राजन, जिसमें खुद ही आपके दोस्त के हाथों के निशान है राजन। हाँ महाराज जी, इस शमशीर में देखिए गजराज सिंह की मोटी मोटी उंगलियों के निशान है महाराज जी। दरबारी, दरबारी, मेरे बेटे की लाश राजमहल ले जाओ। ठीक है हुजूर, हम लभी ले जा रहे। छोटो, युवराज की लाश को ले चला जाओ। राजन मैं भी जाता हूँ साथ में। मंत्री विक्रम सिंह, कहिए राजन। गजराज के हाथों की हथकड़ी खोल दो। छोटू पहले हाथों की हथकड़ी खोल दो। देख लो महाराज, जैसा सपोला पाल रखा था आज वही बिस्तर बनकर आपको ऐसा डसा, ना आप धरती के रहे ना आसमान के, बीचों बीच में ही लटके हैं राजन। गजराज सिंह, याओ। कहिए राजन, तूने दोस्ती का फर्ज निभा दिया, निभा दिया दोस्ती का फर्ज, मेरे बेटे को मारा। महाराज गलती नहीं कुछ हमारी,
हमारी नजर मेरे ऊपर क्यों काली है तुम्हारी। गजराज खूब दोस्ती का फर्ज निभा। मैं तो सोचता था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करूंगा। तूने मेरे बेटे को मारकर। नहीं राजन, आपके बेटे का खून मैंने नहीं किया। मैं एक निर्दोष हूं राजन। आपको यकीन है कि आपके बेटे का खून मैं कर सकता हूं? नहीं राजन। शर्मिना खाया तू बेईमान, शर्मिना खाया ये बेईमान, कुंवर का खून किया तू।
महाराज सच है मेरा बयान। महाराज सच है मेरा बयान, उमर का खूनी ना किया श्रीमान। विराट नगरी चौ तरफ ही अर मच गयो हा हा। विराट नगरी चौ तरफ अर मच गयो हा हा कार। कुंवर वहां मुझे मिला श्रीमान, किसी दूसरी मन का ये था चार, किसी दूसरी मन का ये था काम, कुंवर का खून ना किया श्रीमान। गजराज सी तूने मेरी बेटी को मार कर बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। दरबारी गजराज सिंह के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में ताक डाल दो। गजराज सिंह राजन, हम तुम्हें 5 साल के लिए जेल में डालता हूं। नहीं राजन, दरबारी जेल में डालने से पहले गजराज सिंह को ले जाओ कालू नगर। कालू नगर जाकर इसे इसके बच्चों से मिलाकर 5 साल के लिए जिंदान में डाल दो। नहीं राजा, नहीं, ये मेरा हुक्म है। जेल में जाने से पहले तुम चलो कालू नगर अपने घर, तुम अपने घर वालों से मिल लो, उसके बाद तुमको जेल में डाल देंगे। दरबारी कहाँ आया था बेटी का पर देख ले, उसके बदले मुझे 5 साल की कैद मिली। भगवान तू आज मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। ए दुनिया, ए महफिल, मेरे का